सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, मैं नितेश, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल चक्का चक नितेश पे। तो दोस्तों, आज बात करनी है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं परिस्थितियों से, समस्याओं से, उनका पीछा नहीं छोड़ती और लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसी को घर गृहस्थी की चिंता, तो किसी का पेपर नहीं निकलता, किसी का कुछ नहीं निकलता। तो यार मेरे को ये बताओ, लाइफ मिली है, अगर आप लोग इस लाइफ को सिर्फ ऐसे ही गुजार दोगे रोने धोने में, कभी मेरे से ये हो गया, मेरे साथ कोई कहता मेरे साथ ये हो गया, तो यार बताओ कि आप खुल के ज़िंदगी को जिए कब। लाइफ मिली है, लाइफ को खुल कर जीना है मेरे दोस्त। ये जो परेशानियाँ होती हैं ना, ये क्षणिक होती हैं। हाँ, अब लेकिन देखो, क्षणिक तो रहती हैं लेकिन ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ती हैं। सुख और दुख दोनों पहलू हैं, सुख फिर दुख, दुख फिर सुख, सुख फिर दुख, यानी कि ये चलता ही रहता है। ये ज़िंदगी में क्षणिक होता है मेरे दोस्त, जीवन भर रहेगा आपका साथ, जीवन भर नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। आप देख लीजिए पुलकित सर की पूरी टीम को, कहाँ थी, कहाँ पहुँच गई। क्या इनको पता था कि हमारे साथ अगले क्षण ये वाले होने वाला था? ये क्षण था, पहले ये क्षण था, इतना ये ऊपर क्षण, और फिर तुरंत पटक दिए उठा के यहाँ पे आ गए, है ना। तो जीवन में कुछ भरोसा नहीं, आप किस मतलब पोजीशन पर अभी हो और आने वाले टाइम पर आप किस पोजीशन पर पहुँच जाओ, इसका मुझे क्या किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि आप यहाँ तक, आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं किस क्षण में, अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए लाइफ मिली है, लाइफ में जैसे भी हो खुश होकर जीने की कोशिश करो। अब जिंदगी है यार, क्षणिक है, जो खुशियाँ होती हैं क्षणिक होती हैं और जो दुख होते हैं वो भी क्षणिक होते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। तो लाइफ को मुस्कुराते हुए जीना है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं भैया क्षणिक होती हैं, और इसी को कहते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ, यानी परेशानियाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं और इनसे लड़कर डटकर मुकाबला करना ही पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं तो कहता हूँ यार, ज़िंदगी मिली यार, खुल के जियो, मौज मस्ती जो भी हो सके सब कुछ करो, ठीक है ना, बस उदास होकर मत जियो, ठीक है ना। मानता हूँ कभी कभी ऐसी कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन लाइफ मिली है यार, तो अगर उसी छोटी सी बात को लेकर आप हमेशा उदास बैठोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद निकलते नहीं हैं, ये लोग पड़े रहते हैं उसी में, उसी बात सोच करके, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, पड़े रहते हैं उसी में। तो यार ये कोई बात नहीं हुई यार, लाइफ मिली है, खुल कर जियो, लाइफ मिली है, खुल कर जियो। परेशानियाँ जो होती हैं वो क्षणिक होती हैं, परेशानियाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, और जो इनसे बच कर निकलता है, इनसे लड़कर संघर्ष करके आगे निकलता है भाई, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ होता है, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि बस खुश रहो आप सभी साथ, हाँ बस, लेकिन ये मत कहो कि परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आप जियोगे कैसे। एक जीने का मकसद भी तो होना चाहिए। लाइफ में परेशानियाँ होंगी तो आप उससे घिरे रहोगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जियोगे भी। मैं तो कहता हूँ यार कि हमेशा परेशानियाँ होनी चाहिए, परेशानियाँ होंगी तो आपके जीने का ये सबसे बड़ा यंत्र है। अगर आपके पास परेशानियाँ नहीं तो आप जियोगे किस लिए, हाँ। इसलिए लाइफ में परेशानियां तो होना नॉर्मल सी बात है, होगा ही, छड़ी को होती हैं, पूरे ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा, ना तो सुख ना तो दुख, लेकिन रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है ना। तो लाइफ में परेशानियां जो होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ, और जो इनसे बचकर निकलता है, लड़कर निकलता है, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, और हाँ हमेशा खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।